नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां दो दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया है। जनता दर्शन के दौरान दूर दराज से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर जरूरतमंद तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पात्रों का आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने और किसी के पास ये कार्ड नहीं होने पर बड़े संस्थानों में उसके इलाज के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजने की भी हिदायत दी है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भरपूर मदद दी जाएगी। अगली खबर आगरा से है, जहां लोहा मंडी के खातीपाड़ा में शुक्रवार रात वारंटी को पकड़ने गए पुलिस पर आरोपित और उसके लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी, पथराव कर वारंटी शानू कुरैशी को छुड़ा भी लिया। मामले में पुलिस की ओर से वारंटी शानू कुरैशी समेत 9 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी कोशिश लगातार की जा रही है। तो हमला कर वारंटी शानू कुरैशी को छुड़ाया है, इसके साथ पुलिस टीम पर भी हमला किया गया है, टीम पर पथराव किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ी गई और ये तमाम तस्वीरें आगरा से सामने आई है, जहां इस वक्त पुलिस टीम पर हमले किए जाने की खबर है। तो आगरा की लोहा मंडी में खातीपाड़ा क्षेत्र में वारंटी को पकड़ने गए पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोहा मंडी के खातीपाड़ा के रहने वाले शानू कुरैशी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। आलमगंज चौकी पर तैनात दारोगा अरुण कुमार वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए गए। वही वारंटी शानू कुरैशी पास ही एक दुकान पर बैठा था। दारोगा ने अपनी तहरीर में लिखकर दिया कि उन्होंने उसका नाम पूछा और जैसे ही लोगों को अंदेशा हुआ कि पुलिस टीम शानू कुरैशी को गिरफ्तार करने आई है, इस दौरान ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। जिशान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, देखिए, शानू कुरैशी को गिरफ्तार करने पुलिस टीम पहुंची थी, इस दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है, पुलिस टीम पर पथराव किया गया है, वर्दी फाड़ी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने 9 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले पर अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिशान? मुस्कान, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ताजनगरी आगरा में कमिश्नरेट होने के बाद ये पहला मामला है जो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई और जो वारंटी आरोपी था उसको उसके सहयोगियों द्वारा छुड़ा कर ले जाया गया है। बड़ी घटना है, पूरे थाना लोहा मंडी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीनियर अधिकारियों ने भी मामले को मैं संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि थाना लोहा मंडी क्षेत्र में एक आलमगंज चौकी है, आलमगंज चौकी पर जो दरोगा तैनात है, दरोगा एक वारंटी को गिरफ्तार करने वो उसके निवास पर गए थे, तो पास ही की दुकान पर वो वारंटी शानू कुरैशी पुलिस को दिख गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो शानू कुरैशी है और उसके सहयोगी हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और यहां तक कि पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी, जिसमें जो शानू कुरैशी को मौके से छुड़ा कर ले गए। हालांकि उसमें कई पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है। इस पूरे मामले की जब सीनियर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अधिकारियों ने इसमें थाना लोहा मंडी में जो दरोगा है उसकी तहरीर के आधार पर थाना लोहा मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि जो वारंटी है वो सहित 9 नामजद आरोपी है और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने रात में ही दबिश भी दी थी, लेकिन जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन देखिए जिशान, ये एक बड़ी वारदात है जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने जाती है, पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है, उनकी वर्दी तक फाड़ दी जाती है, साथ ही कई पुलिसकर्मी जैसा कि आपने जिक्र किया कि फिलहाल गायब है। ये पूरी प्री प्लान घटना थी या फिर अचानक से ऐसा हुआ कि पुलिस कुछ भी सोच समझ नहीं पाई, पुलिस को कुछ भापने का मौका नहीं मिला? देखिए, जो घटना हुई है ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अचानक जैसी घटना है, क्योंकि जब कोई वारंटी होता है, कोर्ट से कोई वारंट आते हैं तो थाने पर आते हैं और थाने से जो चौकी इंचार्ज होता है, दरोगा होता है, वो आरोपी को वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। और जैसे ही जो लोहा मंडी में तैनात दरोगा है अरुण कुमार, जिसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी अपने हमराहों के साथ उसके निवास पर उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे। हालांकि वो पास ही की दुकान पर मिल गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो 112 नंबर की गाड़ी थी उस पर बैठा लिया गया था।
लेकिन उसके बैठाने के बाद जो उसके आसपास के लोग थे, उसके सहयोगी थे, उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि उसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी गई और इस पूरे मामले पर जो मुकदमा दर्ज की बात की जा रही है उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ईशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर अयोध्या से है, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अयोध्या में कनक भवन मंदिर के बाहर दुकानदारों ने झांसी से दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट करते हुए उसको घायल कर दिया है, जिसमें घायल महिला श्रद्धालु का सिर बुरी तरीके से फट गया। स्थानीय लोगों ने महिला को श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर अब कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। गोंडा जिले के परसपुर पुलिस और एसओजी टीम के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी वांछित शातिर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं परसपुर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि परसपुर थाने में दर्ज एक गौवत के मामले में वांछित चल रहे शातिर आरोपी असगर अली उर्फ कतली पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम भी लगाई गई थी और न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट भी जारी किया गया था। जनपद गोंडा थाना परसपुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक भू तस्करी का इनामी अपराधी था 25,000 का, असगर अली उर्फ कतली गोली, जो वहीं का रहने वाला परसपुर थाना क्षेत्र का, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस पर भी फायरिंग की थी और उसके पैर में गोली लगी है। उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो जो पुलिस पर फायर किए थे उनको का कारतूस बरामद हुए और इसमें जो है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को भी जो है इसने फायर किया था, लेकिन पुलिस सुरक्षित है, किसी को उस तरह की चोट नहीं। तो यूपी में अब मौसम सर्द होने लगा है। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद की हवा लगातार खराब हो रही है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, हवा में प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में AQI 400 के पार पहुंच गया है और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 में AQI 424 है। वही गाजियाबाद सेक्टर की बात करें तो 62 में AQI लेवल दर्ज किया गया है। वही मेरठ के पल्लवपुरम में AQI का लेवल 410 दर्ज किया गया है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में AQI 320, बागपत हापुड़ जैसे शहरों का भी अब यही हाल बना हुआ है। गाजियाबाद से प्रवीण फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है, शहर की आबोहवा खराब हो रही है, ऐसे में अगर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो फिलहाल 1:30 बजे का वक्त हो रहा है, AQI क्या कुछ दर्ज किया गया है और आप खुद कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए मुस्कान, अगर हम दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अगर हम सुबह जब देखते हैं तो सुबह के समय में पूरे बादल इस तरह से छाए रहते हैं, जैसा लगता है कि शायद बारिश का मौसम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आबोहवा है, हवा में जिस तरीके से जो प्रदूषण देखने को मिल रहा है उससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि AQI लेवल की बात की जाए, AQI की, तो लगभग अभी यहाँ पर जो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद 450 तकरीबन अभी नापा गया है और कहीं ना कहीं बात की जाए इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर इसका खासा असर देखने को मिला है और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सांस से संबंधित जो जिनको समस्या है उन लोगों को खासा परेशानियां हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला अधिकारी जो हैं उन लोगों ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जो सांस से संबंधित लोग हैं उनको भी बोला गया कि घर से बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग भी अंदेशा जता रहा है कि बारिश आने वाली थी हफ्ते के अंदर में बारिश होने की संभावना भी लग रही है। अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो घटता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पहले भी देखा था जो बारिश हुई जिसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से दीपावली के बाद से उछाल हो गया। तो कहीं ना कहीं अब प्रदूषित जो प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो डीजल संबंधित हो, इन गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इनको आउटर से होते हुए निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सिटी का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर डीजल की गाड़ियां प्रतिबंधित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि जो AQI लेवल है वो संतुलित में बना रहे, वो आगे ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लखनऊ में बीती देर रात एक युवक का दूल्हे को मुरादाबाद स्टेज पर एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी है, जिसका शुक्रवार रात को वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी रिवॉल्वर की लाइसेंस की निरस्तीकरण की भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें लखनऊ से है, जहां शादी के स्टेज पर ही हर्ष फायरिंग की गई है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दूल्हे के ही एक साथी ने स्टेज पर हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के जो रिवॉल्वर की लाइसेंस है, उस पर भी निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, शादी के स्टेज पर हर्ष फायरिंग का मामला अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, क्या कुछ एक्शन आरोपी के खिलाफ लिया गया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए हर्ष फायरिंग के मामलों को लेकर के लगातार पुलिस जो हिदायत दे रही है, लेकिन हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ताजा वीडियो जो वायरल हुआ था वो चौक इलाके का बताया जा रहा है, क्योंकि एक शादी समारोह में एक युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आया। क्योंकि शादी के पहले की जो तस्वीर नजर आई कि दूल्हे के स्टेज पर पहुंचा, दूल्हे से गले मिला और उसके बाद एक हर्ष फायरिंग की, और उस हर्ष फायरिंग का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इस वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने जो स्थानीय पुलिस है उसको निर्देश दिया। उसके बाद स्थानीय पुलिस ने तत्काल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसकी पिस्टल थी उसको उसकी जो तलाश है उसकी तलाश में टीम लगी हुई, और जो लाइसेंस की बात की जाए उसको निरस्तीकरण की भी बात कही जा रही है। फिलहाल जो असलाह था यार उसके विषय पे भी अभी जांच चल रही है कि वो लाइसेंसी है या फिर अवैध है, क्योंकि असलाह को देख करके साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अवैध असलाह से फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। उनका कहना है कि इस मामले में लाइसेंस मांगा गया, क्योंकि पिस्टल देखने से पूरी लाइसेंस में तो लाइसेंसी लग रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के कार्रवाई करते हुए एक को जेल भेज रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां वाहनों के ओवर स्पीड पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं RTMS के प्रभारी की तहरीर पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ने वाले 121 वाहन चालकों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। ये वो वाहन है जिनके यातायात माह यानी 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर में ओवर स्पीड में 2 या इससे ज्यादा बार चालान भी हो चुके हैं। बता दें कि पुलिस ने पहली बार ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। खबर रायबरेली से है, जहां बीते दिनों थाना लालगंज क्षेत्र में सराफा व्यापारी से 25 लाख के सोने के आभूषण की लूट करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस पर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान मामले का खुलासा भी हुआ। वही पीड़ित अनंत राम सोनी का ममेरा भाई पम्मू सोनी निवासी जनपद फतेहपुर ही लूट की घटना का मास्टरमाइंड निकला। दिनांक 19 तारीख को लालगंज के सराफा व्यवसायी अनंत उर्फ गोलू सोनी के साथ शाम को जब वो अपने घर अपने दुकान का सामान सोना और चांदी वगैरह लेकर के जा रहे थे, उस समय उनके साथ लूट की घटना हुई थी और लूट में उनका सोने वाला बैग लुटेरे लेकर के चले गए थे। इस घटना पर तत्काल उच्च अधिकारियों की टीम मौके का निरीक्षण की थी और हमारी थाने और सर्विलांस की टीम सब किए थे और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और गहनता के साथ इस पर कार्रवाई की गई थी। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी, स्वाट की टीम लगी हुई थी और थाने की टीम लगी हुई थी और सर्किल के 3 अन्य थाने उनकी टीम लगाई गई थी और शहर से मलेरिया प्रभारी को भी लगाया गया था। इस दौरान हम लोगों ने सघनता के साथ जितने टावर के डंप में नंबर आए थे, करीब 10,000 सस्पेक्टेड नंबर आए थे, उन पे गहनता के साथ काम किया और वहाँ के 300 CCTV फुटेज थे, उनका एक एक मिनट का एक एक सेकंड का फुटेज देखा गया और ओवरऑल निकल करके आया कि इसमें एक लोकल व्यापारी जो पम्मू सोनी है वो इन्वॉल्व था। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह हूँ। डॉक्टर साहब पुलिस मुठभेड़ में घायल आया है क्या है? हाँ, एक 38 साल का एक व्यक्ति है जो लालगंज CC से रेफर था, जिसके पैर में चोट लगी है। और किसके द्वारा लाया गया? पुलिस द्वारा लाया गया था।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।